हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से टेक्निकल अभी यूट्यूब चैनल में। और आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक बोट के बारे में। तो गाइस यार, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे रिगार्डिंग सेम टॉपिक पे पूछे जाते हैं मेरे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, या फिर अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं कि हम किस तरीके से एक बोट की हेल्प से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। और बोट जो है किस तरीके से हमारी हेल्प करता है ट्रेड लेने में, यानी हम विन कैसे कर सकते हैं, कौन सा बोट है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट हमसे मिलता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बोट होते हैं, हमें कुछ फ्री बोट भी हैं, कुछ पेड बोट भी हैं, तो क्या इसका सिनेरियो है? पूरा स्टडी आपको सिर्फ एक इसी वीडियो में मिलने वाला है। प्लस आप स्क्रीन पे एक बोट देख पा रहे हैं, V19.BD554 Pro। तो इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका एक पासवर्ड है वो आपको कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आज हम कुछ कॉल्स लेने वाले हैं, यानी 10 से 15 कॉल्स लेंगे, यानी ट्रेड करेंगे, और देखते हैं ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, कितनी OTM और कितनी ITM ट्रेड्स ये बोट हमें प्रोवाइड करता है, सही तरीके से इस बोट की हेल्प से हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, यानी एक पैटर्न है इसमें ट्रेड लेने का, वो पैटर्न क्या है और किस तरीके से हम उस पैटर्न से ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक अपनी स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पे, फोन स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, साइड में एक स्क्रीन दिख रही है मेरे मोबाइल की। तो हम आज लाइव ट्रेड लेने वाले हैं इसकी मदद से, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद से। तो देखते हैं कि कितना हेल्पफुल है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पहले इसका यूज़ कैसे है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख पा रहे होंगे EURUSD, तो यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग 1 मिनट ही रखना है आपको। अर्निंग का जो परसेंटेज आप देख पा रहे हैं, इसको कट करके आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलरली करेंसी, जैसे करेंसी आपने EURUSD सेलेक्ट की हुई है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मोबाइल की, 82% अभी फिलहाल हमें ये दे रहा है। तो अभी हम, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लाइव अकाउंट से भी आज हम ट्रेड लेने वाले हैं, लाइव अकाउंट से ही लेंगे, $10 की ट्रेड लेंगे। और उम्मीद करता हूँ हम हारना जीतना हमें डजंट मैटर, बट हम जो इन दी एंड हम एक काम करते हैं, 10 ट्रेड का टारगेट रखते हैं, 10 ट्रेड लेंगे और आखिर में 10 ट्रेड के आखिर में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है उसको चेक करते हैं, कितनी ITM और कितनी OTM ट्रेड ये यहाँ से प्रोवाइड होती है। यहाँ पे आपको अर्निंग परसेंटेज में 82 डाल देना है, लेकिन एंटर आपको तब करना है, यानी मोर सिग्नल पे आपको क्लिक करना है, लेकिन कब करना है, जब यहाँ पे 15 सेकंड बचे हों। अब देख पा रहे होंगे इस कैंडल का अभी 8 सेकंड बचा है, 8 सेकंड, 7 सेकंड्स, तो ये जब यहाँ पे 15 सेकंड पे आ जाए ना, तब आपको यहाँ पे मोर सिग्नल पे क्लिक करना है, यानी कि हमें अब थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब ये 59 से जब 15 सेकंड पे आया, यानी कि हमें एक्सपायरी टाइम जब 15 सेकंड बचे ना आपकी एग्जिस्टिंग कैंडल का, तब इस मोर सिग्नल पे आपको क्लिक करना है, तब आपको जो सिग्नल मिलेगा। मैंने काफ़ी हद तक इस पर कोशिश की है, ट्राई किया है इसको यूज़ करने की, तो जो इसका एक फॉर्मूला है, विनिंग फॉर्मूला, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सेकंड पे हम मोर, 15 सेकंड जैसे बचेंगे हम मोर सिग्नल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक कॉल या पुट का एक ऑप्शन आएगा, उसी टाइम पे हमें कॉल या पुट का एक्शन ले लेना है और देखते हैं क्या होता है हमारे पास। 10 कॉल लेंगे और 10 कॉल 1-1 मिनट की लेंगे। वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, लेकिन पूरी देखना, लास्ट तक देखोगे तो मज़ा ज़रूर आएगा और काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी जो है वो सॉल्व होने वाली हैं। अभी 20 सेकंड हो गए हैं, जस्ट 5 सेकंड बाद हम मोर सिग्नल पे क्लिक करेंगे और ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे कॉल का एक ऑप्शन आया और मैंने यहाँ पे कॉल ले ली है 10 सेकंड्स की, मतलब $10 की, 1 मिनट टाइमिंग है इसमें, और देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है फिलहाल। ठीक है, और ये जो ट्रेड है देख पा रहे होंगे अभी तो फिलहाल हमारे हक में ही है, बाकी चेक करते हैं अभी टाइमिंग जो है। आपको पता है जो सबसे अनप्रिडिक्टेबल करेंसी पेयर्स रहते हैं ना, वो रहते हैं EURUSD और EURGBP। तो ये जो है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल पेयर्स रहते हैं, इवन दो हम इसी में ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन चेक करते हैं क्या होता है, क्योंकि जो बोट है, हम जो इसकी एक्यूरेसी है इस बोट की, वो अगर नॉर्मल जो परसेंटेज हमें प्रोवाइड करते हैं करेंसी, जैसे 70%, 60%, उनमें अगर हमें प्रोवाइड होती है ना, तो उससे अगर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसको ट्राई करेंगे ऐसी करेंसीज पे जहाँ पे जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें रहती है ना, उस पे ट्राई करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो करेंसी चूज़ की है EURUSD की है, जो कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें करेंसी में जो कैंडल्स रहती हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलता है। तो ये ट्रेड हमने जीत ली है, अब फिर से वही चीज़ करेंगे, जैसे ही 15 सेकंड बचते हैं हम फिर से यहाँ पे जो है परसेंटेज डालेंगे, वही 82% हमारा अभी भी फिलहाल मिल रहा है, 82 डाल दिया। अब चेक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हर एक जो ट्रेड है उसके बाद, आपको लगभग लगभग 40-45 सेकंड्स का वेट करना पड़ेगा अगली ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर इतना वेट करना पड़े एक प्रॉफिटेबल
ट्रेड के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ या फिर मैं मानता हूँ कि वो अच्छी ट्रेड हो सकती है, यानी वो अच्छा डिसीजन हो सकता है। वो पेशेंस लेवल आपके अंदर बिल्कुल होने चाहिए जब आप ट्रेड लेते हो, तो वो चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए और मैं भी समझता हूँ कि बिल्कुल सही है। तो अब ये 34 सेकेंड्स हो गए हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। यूजेस आपको इसका समझ आ जाएगा, किस तरीके से यूज़ करना है आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा थोड़ा सा आप इसे यूज़ करेंगे तो। एक ट्रेड है हमारी ITM गई है, दूसरी ट्राई करते हैं क्या होता है। 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, और यहाँ पे मुझे पुट मिल गया। मैंने पुट डाल दिया है $10 का, और टाइमिंग वही 1 मिनट। टाइमिंग आपको आपको ना एक ही मिनट चूज़ करनी है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टाइमिंग क्योंकि आपको भी पता है ना यार, मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे जब भी कोई चीज़ मैं पूरी तरीके से टेस्ट ना कर लूँ ना अच्छी तरीके से, तो वो आप लोगों तक मैं नहीं पहुँचाता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ के पीछे ना, जो मैं आपको आप लोगों तक लेके आता हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटजीज उसके पीछे होती है, बहुत सारी रिसर्च होती है, तो बहुत सारा इम्पैक्ट होता है उसके पीछे, और बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ मैं उसके पीछे, बहुत टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो आपने देखा, ये जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको भी सर्च करने में, देखने में, ढूंढने में, समझने में और प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लगा है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे 15 सेकंड का जो मैंने सिनेरियो बताया वो सीधा कोई ऐसा ही सिनेरियो है ना। अब ये ट्रेड जो है मुझे लगता है OTM होगी, बट देखते हैं, ये OTM है। चलो नेक्स्ट वाले पे ट्राई करेंगे, अभी 15 सेकंड बचने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं जल्दी से करके 82 करके कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉल आ गया है और मैंने कॉल ले लिया है $10 का। तो एक हमारी ITM है और एक OTM है। अब अगली ट्रेड चेक करते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या होती है, और उसी के बेसिस पे आगे चेक करेंगे। हमें टोटल 10 लेंगे और उम्मीद करता हूँ यार 10 में से 7 जो है हमारी ITM जानी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस 7 हमारी ITM जानी चाहिए, 3 चाहे OTM जाए, बट मेजोरिटी हमारे पास ITM आनी चाहिए। यानी 7 अगर ITM आती हैं, 3 OTM आती हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये बेकार नहीं है, ये अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, उम्मीद करेंगे कि ITM ही हो, बाकी चेक कर लेते हैं। अभी 37 सेकंड्स, देखते हैं कितना टाइम बचा है, 23 सेकंड्स हैं अभी, और ये थोड़ा सा मार्केट नीचे गया है, बट उम्मीद है कि जीतेंगे ये भी और चेक कर पा रहे हैं गाइस। जैसे ही, अब थोड़ा सा और वर्किंग आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप इस अर्निंग परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 82% अभी फिलहाल हमें मिल रहा है। जैसे ही 15 सेकंड बचते हैं, जैसे अभी 15 सेकंड बचे और मैंने इस पर मोर पे क्लिक कर दिया और मुझे मिला है अगेन कॉल, तो मैं एक और कॉल ले लूँगा, लेकिन मैं हल्का सा लेट हो गया इसलिए मैं अभी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं, अब अगला वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल का, मतलब नेक्स्ट 15 सेकंड जब बचे हैं उसका वेट करते हैं और फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारी 2 ITM है और 1 OTM गई है, 3 ट्रेड में से हम 2 जीते हैं 1 हारे हैं। थोड़ी आज ज़्यादा ट्रेड इसलिए ले रहे हैं ना गाइज, ये वीडियो लंबी इसलिए करने का पर्पज़ है ताकि यार आप लोगों को लगातार मैं ट्रेड लेके दिखा देता हूँ 10, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसकी एक्यूरेसी क्या है, आप लोगों को तरीका समझ आ जाए लेना कैसे है, क्या करना है, ताकि जब आप इसको खुद भी यूज़ करो ना, तो यार मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी स्ट्रैटेजी पे जाओ, आप अपनी स्ट्रैटेजी भी लगाओ। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, अपना एक बना सकते हो, आप खुद बनाओ, मेरे से बेटर आपको एक्यूरेसी मिलती है इससे, तो आप कोशिश करो, ठीक है। बट मुझे फिलहाल ये जो मेथड मैंने आपको बताया 15 सेकंड पहले का जो कैंडल होता है एक्सपायरी टाइम, उसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है, तो मैं इस पे जा रहा हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप खुद भी कर सकते हो। और ये मैंने क्लिक कर दिया है मोर सिग्नल पे और मुझे मिल गया पुट का, तो मैंने पुट पे क्लिक कर दिया है, $10 पुट पे कर दिया है मैंने। टाइमिंग है एक्सपायरी 1 मिनट, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 4 सेकंड्स बचे हैं, नेक्स्ट कैंडल पूरा डिपेंड करेगा नेक्स्ट कैंडल पे, अगर वो ऊपर बनती है तो शायद हम ये हारेंगे और अगर नीचे बनती है तो शायद जीत सकते हैं, बट वो बनी है इक्वली। काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा है यार, मज़ा आ रहा है ट्रेड लेने में, और काफ़ी हद तक जब भी यार मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो बड़ा इन्जॉय करता हूँ इस चीज़ को। और आपको भी यही कहूँगा कि जब भी आप ट्रेड लो ना, तो यार उस मूवमेंट को इन्जॉय किया करो यार, जीतने हारने का टेंशन मत लो, जो होगा देखी जाएगी, बट उस चीज़ को इन्जॉय करो, उस प्रेशर को इन्जॉय करो जो प्रेशर आपके दिमाग पे होता है जब आप लाइव अकाउंट से ट्रेड लेते हो। उस प्रेशर को अगर आप इन्जॉय करोगे ना, तो दैट थिंग, वो चीज़ें आपके लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी। अब ये ट्रेड लगता है हम जीतेंगे, जैसे कि देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली उसी 15 सेकंड पे जहाँ पे हमने ट्रेड ली ना, एग्जैक्टली उसके बाद से मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर बोट, ठीक है। ये अब ये ट्रेड हम जीत चुके हैं, अब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड के लिए यार थोड़ा टाइम लग गया, 15 सेकंड नहीं हो, मतलब 15 सेकंड चले गए, तो अभी थोड़ा और वेट करेंगे अगले 15 सेकंड तक का, यानी एक्सपायरी टाइम जब 15 सेकंड बचेगा तब हम लेंगे। तब तक यहाँ पे डाल के रख देते हैं 82,
और यहाँ पे 49 सेकेंड्स, वेट थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। देखो जैसे ही आप इसमें मोर सिग्नल पे क्लिक करोगे ना, तो जो भी आपको यहाँ दिखेगा, जैसे अभी पुट दिख रहा है, जैसे आप मोर सिग्नल पे क्लिक करोगे जो भी आपको यहाँ दिखेगा वही आपको ट्रेड ले लेनी है। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, वही चीज़ आपको ट्रेड ले लेनी है। तो अभी देखते हैं, 30 सेकेंड्स बाकी हैं। अभी हमने 4 ट्रेड ली है जिसमें से 3 ITM है और 1 OTM। चलिए थोड़ा और करते हैं, अभी 22 सेकेंड्स रेडी हैं ट्रेड लेने के लिए, मतलब मोर सिग्नल पे क्लिक करने के लिए। ये कर दिया मैंने, और पुट मैंने पुट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे 13 सेकेंड्स बचे थे, मैंने पुट पे क्लिक कर दिया। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद करते हैं ये भी ट्रेड हम जीतेंगे और आज एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं यार ट्रेड जीतने का। देखते हैं क्या होता है। वैसे बोट जो है, काफी हद तक मुझसे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे कि सर बोट जो होते हैं उसको हम ब्लाइंडली यूज कर सकते हैं, तो भाई मैं क्लियरली आपको उसका आंसर करना चाहूंगा, नो। बोट को भी आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसके पीछे भी आप स्ट्रेटेजी ढूंढो, एक तरीका ढूंढो कि किस तरीके से आप बोट जो है उसको आप एक्यूरेट बना सकते हो अपने हिसाब से। तो बोट जो होंगे ना, यानी आप रोबोट को जब यूज करोगे ट्रेडिंग लेने के लिए, तो वो एक्चुअली आपको 100% रिजल्ट तो देगा नहीं। पहली बात, 100% तो आपको रिजल्ट वहां से नहीं मिलेगा, बट जो भी आपको रिजल्ट वहां से मिलता है तो उसको आप और बेटर कैसे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजीज, तो उस वो डिपेंड करेगा। अब ये जो ट्रेड है ड्रॉ जाने की, हाँ लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट और ये ड्रॉ हो गई, ये ट्रेड लास्ट मोमेंट था, बट कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा 1 सेकंड का थोड़ा सा माइनर ऊपर नीचे डिफरेंस होता तो शायद हम ये जीत जाते या शायद हार जाते। कोई बात नहीं, अब अगली ट्रेड के लिए वेट करते हैं, अगली ट्रेड लेते हैं और परसेंटेज 82 सेलेक्ट करते हैं। हम 10 ट्रेड लेंगे जिसमें एक ही ड्रॉ है, ये भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि टाइम तो इसने भी हमारा कंज्यूम कर लिया 1 मिनट का, क्यों, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप खुद नहीं ट्राई करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टोटल रिजल्ट कि 10 में से हम कितनी ट्रेड जीते हैं और कितनी ट्रेड हारे हैं, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि पता लग जाएगा फिर एग्जैक्टली कि क्या इस रोबोट के फायदे हैं क्या नुकसान है। और मैं चाहता तो यार ये पे मैंने कोशिश मैं सोच रहा था कि 20 ट्रेड लेके आपको दिखाऊं, 20 ट्रेड्स, तो उससे आपका कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा दूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इससे रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन आता है। अब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो कॉल, और मैंने कॉल पे क्लिक कर दिया, ओ सॉरी गलती से 2 बार क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैं ये कह रहा था रिगार्डिंग, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन इससे रिगार्डिंग रहता है, आपका इस पर्टिकुलर बोट से लेके, बोट को लेके अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है या आपको कन्फ्यूजन रहता है इसको यूज़ कैसे करना है, भाई आपको वीडियो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है, फिर भी अगर आप इसे नहीं यूज़ कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है यूज़ करने में, को इसको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है ना, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये इशू आ रहा है मुझे और किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूं। तो यहाँ पे 2 ट्रेड गलती से लग गई थी, इसको कंसिडर हम एक ही करेंगे कि एक ट्रेड हमने ली है वो लॉस में गया, इस तरीके से हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे गलती से 2 ट्रेड लग गई, तो ये यहाँ पे हमारा लॉस में है। अब 15 सेकेंड जैसे ही बचेंगे हम फिर से ले लेते हैं एक और ट्रेड। यहाँ पे ये जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं मार्केटिंग इम्पैक्ट, तो यहाँ पे सडनली जो मार्केटिंग इम्पैक्ट हुआ है वो उसने बहुत ज़्यादा नुकसान डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था सिग्नल कॉल के लिए, और देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स आपको, जब भी मार्केटिंग इम्पैक्ट होना, जैसे कभी भी मार्केट सही नहीं चल रहा हो, तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है यानी ये जो बोट है इसको यूज़ नहीं करना है, इसको आपको यूज़ करना है न्यूज़ चेक करने के बाद। क्योंकि मैंने जब इसको यूज़ कर रहा था, तो जब मैं चेक कर रहा था, जब कोई मार्केटिंग इम्पैक्ट की कोई न्यूज़ आती है, सडनली स्ट्राइक कर जाती है न्यूज़, तो ये जो प्रॉब्लम करने लग जाता है बोट थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा इसमें जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज है, उस पर इफेक्ट डालता है वो। आप देख पा रहे होंगे ये जो ट्रेड है शायद हम विन करेंगे ये भी, तो इसीलिए मतलब फिर भी, लेकिन जब मार्केटिंग, जैसे लास्ट जो ट्रेड थी वो हमें विन करनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की अगर नेक्स्ट कैंडल बन रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि जो पिछली कैंडल बनी थी वो मार्केटिंग इम्पैक्ट की वजह से बनी थी, यानी न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से बनी थी। तो न्यूज़ जब भी आ रही हो ना, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब ट्रेड लो चाहे मत लो, लेकिन इसकी वजह, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको ट्रेड नहीं लेनी है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हमने कितनी ट्रेड ले ली है ऑलरेडी, ताकि आगे का डिस्कस करें फिर, ताकि मतलब और आगे का। तो हमने ये $10 की ली थी जो विन की थी,
फिर उसके बाद एक लॉस में, फिर दो विन, फिर ड्रॉ, फिर एक लॉस और एक विन, क्योंकि वो दो लॉस जो थी उसे हम एक ही कंसिडर करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने ले लिया है, दो ट्रेड और लेंगे और फिर हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि क्या रहता है इसका रिजल्ट। 15 सेकंड्स का वेट करेंगे, अर्निंग परसेंटेज हमारा 82 है। उसके बाद हम एक और ट्रेड लेंगे और देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर बात करूं मैं अपने पर्सनल राय की, पर्सनल ओपिनियन की, तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलता है ना, 70% रिजल्ट मिल जाता है इस बोर्ड की हेल्प से। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं 70% रिजल्ट के लिए, बाकी आपकी चॉइस है। यहाँ पे हमें पुट के लिए कॉल मिला है, मैंने पुट के लिए कॉल ले लिया है $10 और जो टाइमिंग है 1 मिनट। देखते हैं क्या होता है, बड़ा एक्साइटिंग है जो भी हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बोट में लगभग मैं लाइक यूज़ नहीं करता हूँ, बोट मैंने कभी यूज़ नहीं करता हूँ और ना ही लाइक मैं ऐसा प्रेफरेंस देता हूँ कि बोट यूज़ करना चाहिए। बट इज अ क्या बात है ना, लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए क्वेरीज करते हैं कि बोट क्या है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या एक्यूरेसी बोट प्रोवाइड करता है, क्या नहीं प्रोवाइड करता, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मुझसे पूछे जाते हैं। तो यार आप लोगों की क्वेरीज पे, आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो मैं लेके आया हूँ और उम्मीद करूँगा यार पसंद आ रही होगी। एक और चीज़, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना और यार लाइक नहीं किया वीडियो को, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो यार अभी कर दो लाइक, एक तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ यार, क्योंकि अगर वहाँ ज्वाइन नहीं हो ना तो सीरियसली बहुत कुछ मिस करोगे। ठीक है गाइज, तो अब देखते हैं यार ये वाली ट्रेड, उम्मीद करेंगे जीत जाए। 3 सेकंड्स बाकी। ओहो, इसको बोलते हैं गाइज हार्ड लक, इसको बोलते हैं हार्ड लक। माइनर सेकंड्स के डिफरेंस से हारे हैं, बिल्कुल माइनर सेकंड्स, डजंट मैटर। चले लास्ट ट्रेड लेते हैं, एक सेकंड के डिफरेंस से हारे हैं हम, जस्ट सेकंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। और ऐसा जब होता है यार बड़ा बुरा लगता है कि 1 सेकंड और जब नीचे रह जाती तो क्या चला जाता भाई लेकिन भाई मार्केट है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, जैसा ये चलेगा वैसा ही चलना, जैसा ये चाहेगा वैसा ही चलेगा, बट हम तो काफ़ी हद तक बस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बात याद यार मेरी हमेशा याद रखना कि जो ट्रेडिंग है ना इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, नॉट प्रिडिक्शंस। यहाँ पे आप तुक्के नहीं मारोगे, ये ऑल अबाउट कैलकुलेशंस का खेल है, सारा कैलकुलेशंस है। ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो ना चीज़ों को, वो डिपेंड करेगा उस पर, वो चीज़ें आप वो मैटर करेगा, ना कि ये कि आप यहाँ से कितनी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हो। ठीक है, अब एक और ट्रेड है वो लेते हैं। तो कॉल, और कॉल मैंने ले ली है 1 मिनट के लिए, टाइमिंग है 1 मिनट। इन्वेस्टमेंट तो मैंने सेम ही रखी है यहाँ पे, कोई मैंने आर्टिकल फॉलो नहीं किया, रीज़न क्योंकि यहाँ पे जो पैसे बचाने का कोई अभी लाइक मोटिव नहीं है मेरा, जस्ट अभी ये है कि आपका ये जो बोट है इसकी एक्यूरेसी आपको दिखा सकूं कि क्या एक्यूरेसी दे रहा है, और जो पैसे जितने भी गए होंगे आए होंगे मुझे लगता है मैं प्रॉफिट में ही होऊंगा, बाकी पता नहीं, देख लेंगे लास्ट में क्या होता है इसका रिजल्ट। मुझे लगता है अभी हम 3 ट्रेड शायद हारे हैं, बाकी अगर ये ट्रेड जीत जाते हैं तो हम 3 ट्रेड हारे होंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे एक्यूरेसी आपने देख ली होंगी, जहाँ पे भी हम पॉइंट कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ से मार्केट सडनली हमारे हक में जा रहा है, तो ठीक ठाक एक्यूरेट है ये। बाकी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी वो तब आएंगी जब मार्केटिंग न्यूज़ या मार्केटिंग इम्पैक्ट का कोई असर पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है कि इस तरीके कोई इम्पैक्ट, मार्केटिंग इम्पैक्ट या मार्केटिंग न्यूज़ इम्पैक्ट ना पड़े। अगर पड़े ना मार्केट, आपको पता है भाई मार्केटिंग न्यूज़ है, तो उस टाइम पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये ट्रेड भी हम जीत गए हैं, तो टोटल 10 जो है ट्रेड्स हो गई हैं, 10 ट्रेड हो गई है। तो अब आपको क्या करना है भाई, वीडियो को बंद तो मत करना, अभी हम रिजल्ट डिक्लेयर करके मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इसको डाउनलोड करके पासवर्ड आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी वीडियो को बंद मत करना, मज़ा आने वाला है। तो इतनी वीडियो देख ली तो थोड़ी सी और देख लो यार तो क्लोज्ड पे जाते हैं, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये तो एक जो $10 की है ये मैंने खुद ही ली थी, जो विनिंग है और एक लॉस है। उसके ऊपर देखोगे एक $10 की है, एक जो $10 की है वो विन की है हमने, 1, 2, 3, 4, 5 विन किए हमने, 1 ड्रॉ है और 1, 2, 3 लॉस किए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी, हमने 1, 2, 3, 6 विन की है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने विन की है, 1 ड्रॉ है और बाकी 3 जो है लॉस में है। यानी कि अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे हमें 10 में से 6 सही है, 1 गलत है, माफ़ी चाहूँगा, 1 ड्रॉ है और 3 गलत है, तो हमें ओवरऑल यार 65% का रिजल्ट मिल रहा है, 70% का रिजल्ट मिल रहा है, बहुत सही है भाई।
कोई बुराई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ड्रॉ है उसका तो पैसा हमारे अकाउंट से कटा नहीं है, ठीक है। तो भाई बहुत सही रिजल्ट मैंने देखा है इसका, मिल रहा है, आप भी यूज़ करके दे सकते हैं भाई। मैं इसका कोई प्रमोशन प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देख लो, अगर आपको पसंद आए तो इसको यूज़ करो, अदरवाइज मत करो। अब बताता हूँ आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो भाई आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ बाकायदा कि किस तरीके की फ़ाइल होगी और कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड प्रो के नाम से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड प्रो बोट के नाम से आपको ये दिख जाएगा, ये मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आपको। यहाँ पे आप इसको जैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे आपको इस पर डबल क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो वर्चुअल पहले तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, एक्सट्रैक्ट करने के विनरार की जरूरत पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको विनरार डाउनलोड कर लेना अपने पीसी में। पहली बात ये मोबाइल में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं भाई मोबाइल में हम कर सकते हैं, नहीं मोबाइल में आप नहीं कर पाओगे। वर्चुअल वर्ल्ड प्रो पे क्लिक करके इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। फिर आप इंस्टॉल करने के बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ से मिलेगा, इसी फाइल में आपको पासवर्ड मिलेगा, इसको आपको पासवर्ड को कर लेना है कॉपी, ठीक है। और अब ये जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो वो पासवर्ड को आपको टाइप करके इसको आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, तो आप इसको पासवर्ड को कॉपी करके जो पेस्ट करना है और पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, तो आप इसको यूज़ कर पाओगे जैसा मैंने अभी यूज़ किया, ठीक है, फ्रेश इंटरफेस है ये, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर पाओगे। गाइज यार उम्मीद करूंगा वीडियो जो है पसंद ज़रूर आई होगी आपको, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर ये बोट वर्क कर रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, नहीं वर्क कर रहा तो भी बताओ कि क्या इशू आ रहे हैं या कौन सी टाइमिंग है जहां पे ये वर्क बोट अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम में कुछ बेहतर रिजल्ट आपके लिए लेके आ सकूं। चलिए गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।